Now next one, another example based on character array. इसके साथ total two character array define किए हैं s1 और s2. Just इसके साथ test क्या करना? Behavior of string concatenate operations. इस केस में strcat क्या सी लैंग्वेज के अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शन जस्ट इस फंक्शन का वर्किंग क्या है इसे किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के लास्ट में न्यू स्ट्रिंग के कंटेंट्स को अपेंड करना और टू स्ट्रिंग को जस्ट कोऑर्डिनेट करना मर्ज करना चेक इट फर्स्ट वन सबसे पहले मैं इसके लिए डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ऑलरेडी मैंने ब्लॉक स्टार्ट किए हैं फर्स्ट केस में क्रिएट हुआ है एस एस एरे नेम एज एस1 इसके अंदर एलिमेंट्स कितने 10 तो 10 एलिमेंट का एरे क्रिएट हुआ है इस एरे का नेम क्या हुआ जस्ट एस1 प्लस इस प्लेस पर एलिमेंट्स क्या असाइन हुए ए बी सी D and E. Then partial initialization के according remaining places पर assign किया जाएगा default value as null. Clear? Remaining all places. सभी places का by default value क्या होगा? Null. Or we can say equivalent to zero. नेक्स्ट वन सेम है एक और स्ट्रिंग क्रिएट हुआ सेकंड टाइम स्ट्रिंग में साइज सप्लाई नहीं किया तो उसके साइज आइडेंटिफाई करें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड एलिमेंट टोटल फोर कैरेक्टर्स असाइन हुए प्लस लास्ट कैरेक्टर इम्प्लिसिटली असाइन हुआ है नल इसलिए स्ट्रिंग का टोटल साइज क्या है इस केस में फाइव कैरेक्टर्स लास्ट केस में क्या असाइन हुआ इम्प्लिसिट कैरेक्टर एज नल देन जस्ट कॉल किया लाइब्रेरी फंक्शन एस टी आर सी ए टी तो एस टी आर सी ए टी केस में जस्ट पास कर किया इस प्लेस पर जस्ट मैं डिफरेंट केस प्रोवाइड कर रहा हूँ लाइक दैट एस वन प्लस टू कॉमा एस टू प्लस टू लाइक दैट क्लियर अगर इस टाइप से इस फंक्शन को कॉल कर दें इसका जस्ट बिहेवियर क्या रहेगा इस केस में जस्ट डिस्प्ले क्या करा इसके बाद पुट से एस वन और एस टू फर्स्ट केस में जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो एस वन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा एस वन एरे का बेस एड्रेस क्या 100 तो फाइनली एस वन के प्लेस पर क्या रिप्लेस करोगे एस 100 100 और 2 का एडिशन हुआ तो इस केस में जस्ट रिजल्ट क्या आएगा 102 तो फाइनली किस लोकेशन का एड्रेस पास हुआ 102 मीन्स थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एस वन सेम है एस टू प्लस टू एस टू का भी बेस एड्रेस क्या है 200 तो स्पेस पर रिप्लेस क्या हुआ 200 प्लस टू इज 202 तो फाइनली सेकेंड केस में क्या पास हो रहा है 202 फाइनली इस केस में परफॉर्म क्या हुआ गिवन स्ट्रिंग के लास्ट में मीन से 102 स्ट्रिंग के लास्ट में अपेंड क्या हुआ कंटेंट्स ऑफ 202 स्ट्रिंग्स तो इस केस में 102 के केस में किस प्लेस से कंटेंट एड होना स्टार्ट होंगे जस्ट पोजीशन ऑफ द नल कैरेक्टर तो 102 ऑनवर्ड सबसे पहले सर्च किया हुआ नल मीन इस केस में फर्स्ट स्ट्रिंग में चाहे आप 100 पास करो 101 पास करो 102 पास करो 103 पास करो डेटा फाइनली किस प्लेस से कॉपी होना स्टार्ट हो फ्रॉम फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ नल तो इस केस में जस्ट इसका मीन्स फर्स्ट सोर्स स्ट्रिंग का बिहेवियर फिक्स है इस केस में 102 के केस में अगर 102 पास किया तो 102 ऑनवर्ड सर्च किया हुआ पोजीशन ऑफ द नल तो नल किस प्लेस पर फाउंड हुआ जस्ट फिफ्थ इंडेक्स तो जस्ट कर्सर मीन्स जब भी इसे एस वन के अंदर डेटा अपेंड होना स्टार्ट हो तो अपेंड किस प्लेस पर होगा 102 ऑनवर्ड्स फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ द नल मीन्स फर्स्ट ऑक्रेंस किस लोकेशन में फाउंड हो रहा 105 एड्रेस क्लियर लेकिन डेटा कॉपी किससे होगा 202 एड्रेस ऑनवर्ड 202 एड्रेस में फर्स्ट कैरेक्टर क्या फाउंड हो रहा जस्ट वाई तो सबसे पहले इस केस में रीड क्या होगा वाई वाई किस इंडेक्स में साइन होगा फिफ्थ इंडेक्स नेक्स्ट टाइम रीड कौन होगा जेड और जेड नेक्स्ट प्लेस पर असाइन होगा नेक्स्ट प्लेस पर आ गया ना इस प्लेस पर क्या असाइन हो जाएगा जेड क्लियर नेक्स्ट टाइम रीड क्या होगा नल जैसे इस केस में नल फाउंड हुआ तो नल इस प्लेस पर कॉपी तो हो जाएगा इस नल रिप्लेस केस हो जाएगा अगेन ऑक्रेंस ऑफ नल लेकिन इस केस में जैसे ही टारगेट स्ट्रिंग में नल फाउंड हो उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये कॉपी करना स्टॉप कर दे तो फाइनली इस केस में सोर्स स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स कॉपी ओनली टू अगर आप इस केस में 201 पास कर देन इस केस में कॉपी क्या होता है जस्ट एक्स वाई जेड सॉरी इट इज नॉट अ कॉपी ऑपरेशन इट इज कॉन्केट ऑपरेशन कॉन्केटिनेट के केस में जस्ट परफॉर्म किया था मर्जिंग टू स्ट्रिंग और कॉन्केटिनेटिंग टू स्ट्रिंग और अपेंडिंग अनदर स्ट्रिंग इनसाइड फर्स्ट स्ट्रिंग क्लियर फाइनली इस केस में जब कॉन्केट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद स्टॉप होगा तो इस केस में डिस्प्ले करा एस वन एस वन के प्लेस पर अभी भी क्या रिप्लेस होगा एस वन का बेस एड्रेस एस वन का बेस एड्रेस क्या है जस्ट 100 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे ए बी सी डी ई वाई जेड कब तक डिस्प्ले कराओगे जब तक नल फाउंड नहीं हो जाते ए बी सी डी ई वाई एंड जेड सिमिलरली सेकेंड केस में पुट्स के केस में स्लैश एन इम्प्लिसिटली अपेंड रहेगा आपको राइट डाउन करने लाइन चेंज करने नीड नहीं सेकंड केस में एस टू के कंटेंट डिस्प्ले होंगे एस टू में कोई चेंज परफॉर्म हुआ क्या नहीं क्योंकि टारगेट स्ट्रिंग ऑलवेज कैसा होता है रीड ऑनली स्ट्रिंग तो टारगेट स्ट्रिंग में क्या फाउंड हो रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड दिस द आउट ऑफ गिवन कोड